guys, welcome back to my YouTube channel MV Blogs. I hope you all guys are absolutely fine at home. तो आज है हमारा तीसरा दिन, मतलब कि तीसरा संडे है अपना ऑफ रोडिंग का, तो ब्लॉग भी जल्दी आ जाएंगे आपके सामने और आपको अच्छे लगने वाले हैं, इतना तो मुझे मालूम है क्योंकि अपने भाई के तो ऑलरेडी आ चुके हैं और उनको अच्छा सा रिस्पांस मिल चुका है, वो मैंने देख लिया है और मुझे भी अच्छा रिस्पांस मिलना चाहिए ऐसा मैं सोचता हूँ और ऐसा आपको सोचना चाहिए कि रिस्पांस दे ही देना चाहिए अच्छा वाला। तो आज अपने साथ कितनी थार है टोटल? अपने साथ चार थारे हैं, दो अलॉय व्हील वाली हैं, दो विदाउट अलॉय व्हील स्टॉक है, दो तीन डीजल है और एक ही पेट्रोल है। और अभी जाके देखेंगे, आज तो फंसाने में मजा आएगा गाड़ी क्योंकि तीन थारे हैं, तीनों 4x4 है, 4x2 दो ही गाड़ी है, एक ब्लेरो है और एक अपनी लाल परी। क्या बात है, कितना सुकून आता लाल परी को सुन के। लाल परी है हमारी फ्रंट व्हील ड्राइव और हमारी ब्लेरो है रियर व्हील ड्राइव और ब्लेरो है 28cc, तो वो काफी ज्यादा मतलब कैपेबल है ऑफ रोड करने की। मतलब तो बेइज्जती कर रहा है मेरी ब्रेजा की? नहीं, ब्रेजा हमारी डीजल है भाई, फुल पावरफुल, टर्बो ऑन हो गया तो मानेंगे नहीं, पर चक्कर वही है कि फ्रंट व्हील ड्राइव का गाड़ी में क्या होता है कि जब तक अगले टायर नहीं निकलेंगे तब तक पिछले टायर फंसे रहेंगे। तो बात तो सही है। रियर व्हील ड्राइव का क्या होता है कि पीछे से गाड़ी पुश लेती है और फिर आगे जब निकल जाए तो फिर कोई चक्कर ही नहीं है, पर आज तो कोई चक्कर ही नहीं किसी भी गाड़ी फंसने का क्योंकि चार थारे हैं यार, एक एक भी पावर लगाएगी तो एक एक टायर में भी एक पावर लगाएगी, कितना मजा आने वाला है यार। रस्सी हमने आज अपने साथ, में छोटा भाई तो नहीं है क्योंकि उसने बोला था कि मैं आऊंगा बट वो पता नहीं क्यों नहीं आया। सोचा कि डीजल डलवा ही लेते हैं, है तो है बीच में डीजल लेकिन बट डीजल डलवाया वो अच्छा रहता है। है बीच में डीजल है यार, इनको पता नहीं क्या सुबह दिमाग खराब करने की चढ़ी हुई है। तो आप कुछ दिखाना चाहता हूँ मैं अभी, एक ब्लॉक के पीछे बंदा क्या कर सकता है, बस गिरे ना वो ठीक है। तो ये देखो एक ब्लॉक के लिए क्या क्या करना चाहता है, ये देखो ये तो कुछ ऐसी हालत है ब्लॉगर की हो चुकी है, गाड़ी के आगे बैठकर क्योंकि बोनेट पे बैठकर ब्लॉग शूट कर रहा है और रोहित भाई आ गए अपने साथ। अब मैंने सोचा कि अक्षय भाई को बिठा देते हैं ब्लेरो में ही, और वो भी बोनेट के ऊपर, वो भी बोनेट पे बैठा हुआ है। उतरा कि नहीं उतरा है अभी? मुझे लगता है शायद उतर गया है, उतर के बैठ गया अभी अपनी गाड़ी में, तो ब्लेरो में बैठ गया। तो हम भी चलते हैं आगे, विकास में चले गए आगे, तो थोड़ा ही ट्रैक है यहाँ से 5-6 किलोमीटर ऑलमोस्ट, थोड़ा ज्यादा होगा, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता। सो फाइनली वी गेट द लाइन अप, सीधी चार थारे आ चुकी हैं, उसके बाद ब्लेरो और अपनी लाल परी है, आगे की तरफ सबसे आगे चलेगी अपनी गाड़ी और बाकी पीछे सारे आने वाली है और अक्षय भाई भी ब्लॉग शूट करते हुए, और फाइनली जाके हम थोड़ी देर में अपने जो अपना ऑफ रोडिंग का ट्रैक है वहाँ पहुंचने ही वाले हैं। बस यहाँ से नीचे उतना, ये पहाड़ी सिर्फ नीचे उतरनी है और नीचे उतरते ही हमें ऑफ रोडिंग का ट्रैक मिल जाएगा, जो पिछले संडे गए थे उससे थोड़ी सी आगे जाना है, बस थोड़ा सा ही ट्रैक है, सीधा अब आपको ट्रैक में मिलते हैं जाके। भाई काली काली थारे आज बड़ी सही लग रही हैं, मजा आएगा बिल में यार। Finally back to our location again on the same location. वही सेम लोकेशन पर आया, बट इस लोकेशन से जाते हुए हम निकलेंगे आगे की तरफ क्योंकि यहीं पे रुक गए थे, बट इस बार आगे की तरफ जाने वाले हैं और पहले ब्लेरो निकलने वाली है, तो आपको दिखाता हूँ ब्लेरो कैसे निकलती है। आराम से आने दो। स्लोली वेरी गुड, शाबाश। पिछली बार भी टच हुई थी, इस बार भी बड़ा डरा हमें टच होने का नहीं। आराम से, क्या बात है, हेलो जी हो गया भैया, बंपर नहीं चला, बिल्कुल स्लोली निकाला, स्लोली बिल्कुल। हाँ ठीक है आने दो, आंदो बड़े इजीली आराम से पट्टा
ठीक है ठीक है ठीक है ओके ओके। तो पांचों गाड़ियां आराम से एकदम इजी निकल चुकी हैं। जान दो आराम से, कोई चक्कर नहीं है, कोई चक्कर नहीं, जान दो। तो सबसे पहले निकलने वाली है अपने विकास भाई की गाड़ी, तो यहाँ से घुमाते हुए हम लेके जाएंगे। यहाँ से पानी काफी गहरा है, इतना भी गहरा नहीं है, गहरा है क्योंकि यहाँ पे उस दिन गाड़ी लाई थी तो यहाँ पे गाड़ी फंस चुकी थी अच्छे से। तो इस बार यहाँ से गाड़ी लेके जाएंगे और आगे तक, तो ट्राई करते हैं यहाँ से या यहाँ से। Easy, easy man. क्या बात है। Very good. क्या बोलती पब्लिक, थारे निकल चुके हैं आराम से फंसने का, तो उनका तो चांस ही नहीं है। लास्ट में ब्लेरो को उतारेंगे क्योंकि पिछली बार भी ब्लेरो को उतारा था, वो फंस चुकी थी, उसके पिछले टायर तो हाफ टायर से नीचे घुस चुके थे। इस बार शायद ना घुसे, लास्ट में उतारेंगे उसके बाद ब्लेरो को। तो अभी नेक्स्ट थार आने वाली है अपने सौरभ भाई की, तो देखते हैं आपको मजा आ रहा है। अगर मजा आ रहा है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल की सपोर्ट के लिए भाई सब्सक्राइब कर दो। तो अभी उतारते हैं नेक्स्ट गाड़ी को, सौरभ भाई की गाड़ी है वो आने वाली है। तो दो थार तो आराम से निकली है ना उनको, तो मैं बोल रहा हूँ रद्दी भर, एक इंच भर समझ नहीं आया कि फंसना होता क्या, उन्होंने निकाली बिल्कुल आराम से। घुमा लो पूरी, क्या बात है, क्या बात है। तो कुछ बंदे डर रहे थे सीधी घुसाने में, तो भैया ने तो सीधी घुमा के फिर रिवर्स करके भी निकाल दी, मजा ही आ गया यार। तो आखिरकार ब्लेरो आ ही चुकी है जिसका डर होता है ना, लेकिन रोहित भाई बोलते हैं नहीं यार निकाल लेंगे इस बार आराम से आने वाली है, आराम से बिल्कुल। क्या बात है, नहीं मेरे को बताओ ऊपर चढ़ाने का मन है क्या, चढ़ा दोगे? ठीक है जाने दो, जाने दो। हेलो भाई क्या हुआ? ओहो हो, मजा आ गया, मजा ना क्या किया, गाड़ी तेज में स्पीड में लेके गए तो आगे अपने अक्षय भाई खड़े होते तो वो पूरे भीग चुके हैं पानी से, मजा ही आ गया यार। आज तो पिछले दिन से भी मजा, पिछले संडे से ज्यादा मजा आ रहा है क्योंकि गाड़ियां काफी ज्यादा, तो ऑफ रोडिंग करने का मजा ही लगा आता है। अब मूड तो मेरा बन रहा है कि ब्रीजा को उतारने का, बट यही बात है ना कि अगर टूट जाए तो बापूजी छोड़ेंगे नहीं कहीं के भी, इसलिए सोच रहे हैं कि ब्रीजा को नहीं उतारेंगे, अच्छी बात है। तो अक्षय भाई दोबारा गाड़ी को निकाल रहे हैं, अभी विकास भाई ने पहले निकाल ली थी तो अक्षय निकालते हुए। ओहो क्या बात है भाई, भाई मजा आ गया भाई, क्या बात है, क्या बात है। तो अर्जुन भाई की थार आते हुए तो लगता है मैं कमेंट्री कर रहा हूँ ना ऐसे, इजी भाई इजी इजी। क्या बात है,
अक्षय भाई के साथ पता नहीं क्या हो रहा है यार, हर एक बंदा आ रहा है इनको भरने की कोशिश कर रहा है पानी से, मुझे समझ नहीं आ रही कि हो क्या रहा है इनके साथ। भाई साहब मजे ऑफरोडिंग का पैच था, ये हमने कर दिया कवर। तो आप सोच रहे हैं यहाँ इस तरफ निकलेंगे या उस तरफ, क्योंकि इस तरफ एक रास्ता है वहाँ की तरफ निकलते हैं अगर पानी मिलता है, अगर अच्छा सॉफ्ट रोड मिलता है तो वहाँ जाने की कोशिश करते हैं। भूख भी लग चुकी है थोड़ी थोड़ी सी, खाने का सामान ले आया तो बनाते हैं मैगी वगैरह। मैगी वगैरह तो ले आए थे, चावल ले आए थे। यार चावल किस काम के थे मैंने सोचा बाद में, अगर हम मैगी ले आए तो चावल किस काम के हैं। तो मैगी भी बनाएंगे वो भी दिखाएंगे उसके बाद। अभी ऑफ रोडिंग और करने का है, इतना ऑफ रोडिंग करने से मजा नहीं आने वाला भाई, ज्यादा ऑफ रोडिंग होगी तो ज्यादा मजा आने वाला है आपको भी और मुझे भी। हम निकल चुके हैं बाहर और अब निकल रहे हैं आगे की तरफ और गाड़ियां अपनी सारे पीछे ही हैं स्लोली आते हुए। अक्षय भाई तो निकले नहीं बाहर, हम ही खुद निकले हैं बाहर और रिस्क ले रहे हैं, देखते हैं क्या बनता है। ये होती है भाई बात बुलेरो की, तुम थार नहीं घुसा रहे बीच में। मेरी थार आराम से निकल रही है। आहा आहा कर रहे हैं दिलेरी वाला काम। नंबर वन वही होता है जो पहले घुसाता है बीच में। लो भाई ये आ गया रोहित भाई अपने ब्रेक नहीं मारते।